हेलो दोस्तों, ज्योति किचन फूड में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखिए, आज हम आप सबको उड़द दाल बना के दिखाएंगे। देखिए, साबुत उड़द दाल हमने लिया है, इतना ही एक कटोरी हमने लिया था और हमने रात भर के लिए भिंगो दिया था, ये फूल के इतना ज्यादा हो गया है। और देखिए, चना दाल है आधा कटोरी, इसको भी हम डालेंगे। इसको चलिए और अच्छे से हम धो लेते हैं, धो लिए हैं लेकिन फिर भी और अच्छे से धो लेते हैं एक पानी के लिए। देखिए हमारा फूल के ऐसा हो गया है। हमने एक कटोरी ही लिया था इसे। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से धो करके साफ कर लिया है। और ये देखिए, हमने इसको भी धो लिया है। आधा कटोरी हमारे चने के दाल है, हम चने के दाल के साथ बनाएंगे। ये देखिए, एक हमारा टमाटर है कटा हुआ, और ये देखिए थोड़ा सा हमने लहसुन और अदरक लिया है, इसको भी हम काट लेंगे। देखिए हमने कुकर में पानी ले लिया है, इसमें देखिए हम ये डाल देते हैं दाल को। उसके बाद ही हम चने को भी डाल देंगे, चने भी हमने धो लिया था। ये देखिए, हम टमाटर डाल देते हैं इसी में, और ये देखिए अदरक है थोड़ा सा, लहसुन है, इसको भी हम डाल देंगे इसी में। नमक देखिए स्वाद के अनुसार। देखिए हल्दी बिल्कुल हल्का सा डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना होता है हल्दी, लेकिन बिन हल्दी के नहीं बनता है कोई भी चीज, इसलिए हम हल्दी जरूर डाल रहे हैं, क्योंकि बिन हल्दी का अशुभ माना जाता है खाना, इसीलिए हम थोड़ा सा डाल दे रहे हैं, लेकिन इसमें हल्दी का कुछ पता नहीं चलता है। देखिए, थोड़ा सा हमारा लाल मिर्च पाउडर है तीखा वाला, और ये देखिए हम थोड़ा इसमें ये वाली भी डालेंगे, थोड़ा सा ये कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देते हैं जो कि कलर आता है। और देखिए हम हींग भी डाल देते हैं, देखिए थोड़ा हींग है। देखिए थोड़ा सा हम सरसों का तेल डालेंगे, दो चम्मच के करीब हमने डाल दिया है बस। अब इसको सीटी बंद कर देना। देखिए देखिए, हमने उड़द दाल में सारा कुछ पहले डाल दिया, और तेल हम सरसों का इसलिए डाले हैं ताकि हमारा उड़द दाल जल्दी से पक जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सरसों का तेल डालने से थोड़ा जल्दी पकता है उड़द के दाल, और हमने इस वजह से ही भिंगोया था कि जल्दी पक जाए। अगर नहीं भिंगो के आप बनाएंगे तो एक घंटा पूरे लगता है उड़द दाल पकने में। और देखिए, हमने हमारा दाल बनके तैयार हो गया। हम घोंट के अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, और तड़के के लिए हमने दो चम्मच सरसों का तेल डाला था, दो लाल मिर्च डाले हैं सूखी हुई, और थोड़ा सा जीरा डाल के, और हमने आधा कटोरी जो बारीक कटी हुई प्याज है हमने रखे हुए थे उसको हमने डाल दिया है। और ये थोड़ा सा कलर वाले, जब हमारा प्याज ब्राउन हो गया उसके बाद हम थोड़ा सा कलर वाले मिर्च डाले हैं कलर के लिए, उसके बाद कश्मीरी मिर्च डाले हैं कलर के लिए। और उसके बाद देखिए, हमने दाल में तड़का दे दिया है, और आप रोटी के साथ और चावल के साथ भी खा सकते हैं उड़द और चने के दाल। हम इस तरीके से हम बनाते हैं, आप सब कैसे बनाते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, धन्यवाद। ये देखिए बनके तैयार हो गया है हमारा उड़द दाल।